डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल में फिर से आप लोग सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार, एमटेक पावर सिस्टम। आज मैं थायरिस्टर के आगे लेकर के चल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग थायरिस्टर क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम लोग देख चुके हैं, थायरिस्टर कैसे ऑपरेट करता है इसके बारे में देख चुके हैं, उसका तीन मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखे थे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ये तीन चीज़ को हम लोग देखे थे ना। इसके बाद हम बात करेंगे थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड का बात करेंगे। टर्न ऑन मेथड कौन कौन सा टर्न ऑन मेथड इसका हो सकता है? तो सबसे पहला टर्न ऑन मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। सबसे पहला टर्न ऑन मेथड है। कोई भी टर्न ऑन करने का मतलब कैसे ऑन स्टेट में आएगा, अभी ऑफ स्टेट में होगा। इसका जब कब हम लोग ये टर्न ऑन मेथड पढ़ते हैं, जब एनोड पॉजिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड होता है, विथ देन मेथड अप्लाई करते हैं। एनोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड when anode is positive with respect to cathode, then any one of the following technique, then following technique can be used to turn on thyristor. Thyristor को turn on के लिए following method है। पहला मेथड जो है सबसे बेसिक मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। पहला मेथड का नाम है क्या? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग है। दूसरा जो है हम लोग डंडा जो गेट था, दूसरा जो है आपका गेट ट्रिगरिंग है। दूसरा सेकंड वन इज गेट ट्रिगरिंग है। सेकंड वन इज गेट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, सेकंड वन इज द गेट ट्रिगरिंग। थर्ड वन क्या है बताइए? डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मतलब स्टार्ट करना, ट्रिगरिंग मतलब क्या? स्टार्ट होना। एक टेम्परेचर ट्रिगरिंग है। चौथा इज द टेम्परेचर ट्रिगर। फोर्थ वन इज द टेम्परेचर ट्रिगरिंग। फिफ्थ वन इज द लाइट ट्रिगरिंग। यानी कि पांच मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, इसके अलावा डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग। कौन कौन सा मेथड है? गेट ट्रिगरिंग, डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इतना सारा ट्रिगरिंग मेथड है। कहने का मतलब इतना तरीके से हम लोग थायरिस्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा, इसको दो लेक्चर्स में हम लोग फिनिश करेंगे। टोटल पांच मेथड है। आज के लेक्चर में ये दो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग और गेट ट्रिगरिंग। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये तीन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसका दो पार्ट होगा, थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में दो मेथड बताएंगे, पार्ट 2 में 3 मेथड बताएंगे। ठीक है, और हम लोग फुल डिटेल्स में भी देखते हैं कैसे टर्न ऑन होता है, क्या इसमें हम लोग करेंगे कि टर्न ऑन हो। ठीक है, ये पाँचों मेथड का पहले नाम लिखिए, बारी बारी से करके हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। डू फास्ट। देखिए, तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहला मेथड को देखते हैं। पहला मेथड क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग यही जो है फॉरवर्ड वोल्टेज है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं विथ एनोड पॉजिटिव और कैथोड निगेटिव, तब ये जंक्शन कौन सा, ये जंक्शन J1 और J3 जो होता है फॉरवर्ड बाइस होता है, जंक्शन J2 होता है रिवर्स बाइस, बहुत बार बता भी चुके हैं। जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज when forward voltage is applied, then कौन सा जंक्शन सर? J1, J3 क्या होगा? फॉरवर्ड वाइस होगा, जबकि जंक्शन J2 क्या होगा? रिवर्स वाइस। कब ऐसा? With gate open circuit, then जंक्शन J2, जंक्शन J1 एंड J3 आर आर
फॉरवर्ड 22, फॉरवर्ड 22, जबकि वेयर एज जंक्शन J2, जंक्शन J2 इज रिवर्स 22। जंक्शन J2 कैसा होगा सर? रिवर्स 22 होगा। एक जंक्शन फॉरवर्ड 22 में होगा, दूसरा जंक्शन क्या होगा बताइए? रिवर्स 22 में होगा। ये जंक्शन J1 J3 जो होगा सर फॉरवर्ड 22 में होगा, जंक्शन J2 क्या होगा बताइए? रिवर्स 22 में होगा। ठीक है, अब हमारा ये रिवर्स 22 के कारण जंक्शन J2 में क्या होगा? एक डिफ्लेशन लेयर को फॉर्म करेगा। ड्यू टू रिवर्स 22 या फिर बोल सकते हैं द रिवर्स 22 जंक्शन J2 फॉर्म ए डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा बताइए? फॉर्म करेगा। कहाँ पर फॉर्म करेगा? यहाँ पर फॉर्म करेगा। ए डिप्लीशन लेयर के कारण क्या होगा कि स्मॉल लीकेज करंट को यहाँ पर फ्लो करेगा, फॉरवर्ड लीकेज करंट यहाँ पर क्या करेगा? फ्लो करेगा। लेकिन इसको अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे तो एक लेवल आएगा जिस पे जंक्शन J2 क्या हो जाएगा बताइए? ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, व्हेन जब हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज इस वोल्टेज को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, ये बैरियर कौन बना हुआ है? जंक्शन J2 बना हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो J2 क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा। और जिस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। यानी कि जब हमारा व्हेन फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज आर ग्रेजुअली इंक्रीजेज देन जंक्शन J2 देन एट ए सर्टेन वोल्टेज द जंक्शन J2 इच ब्रेक डाउन। ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। और इस वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VBO, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये कब होता है? जब ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं? इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को। सबसे पहले ये फॉरवर्ड में है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड क्या है? निगेटिव। और इस वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो जंक्शन J2 ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा? जिस वोल्टेज पर ब्रेक होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे, अगर हम बात करें इसके बाद का, इसके बाद इसको हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जंक्शन भी ब्रेक हो रहा है और यदि हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करेंगे, ध्यान देना, ऑलरेडी पहले हम लोग बना चुके हैं। ये जो रिवर्स में ऐसा था VBR, फॉरवर्ड में कैसा था? ऐसा था, यहाँ से ऐसे करंट आ रहा था, ऐसा था ना सर? तो ये जो था यहाँ पर इस टर्मिनल पर VBO पर आपका एक करंट शिफ्ट कर रहा है। कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा है? थायरिस्टर शिफ्ट कर रहा है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में। यहाँ पर थायरिस्टर क्या कर रहा है? टर्न ऑन हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। द ब्रेक ओवर वोल्टेज इज सो कॉल्ड। क्यों करते हैं? बिकॉज एट दिस वोल्टेज जंक्शन J2 ब्रेक एंड ऑल्सो थायरिस्टर शिफ्ट कौन सा मोड से? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड शिफ्ट फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। कौन शिफ्ट करेगा सर, थायरिस्टर शिफ्ट करेगा, ठीक है। और जब हमारा जंक्शन ब्रेक करेगा तो उससे लार्ज फॉरवर्ड एनोड करेंट उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। जब हमारा जंक्शन ब्रेक करेगा, व्हेन जंक्शन ब्रेक देन लार्ज फॉरवर्ड एनोड करेंट फ्लो। लार्ज फॉरवर्ड एनोड करेंट क्या करेगा बताइए, फ्लो करेगा। किससे फ्लो करेगा, इस जंक्शन J2 से फ्लो करेगा। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा बताइए, ये हमारा ऑन स्टेट में आ गया, थायरिस्टर क्या हो गया बताइए, टर्न ऑन हो गया। जैसे कि यहाँ तक तो बहुत स्मॉल लीकेज करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ से एक बैक करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक बैक करंट बढ़ेगा, लैचिंग करंट से ऊपर ही रहेगा, एक बैक करंट तेजी से बढ़ेगा, कब, जब जंक्शन J2 क्या होगा बताइए, ब्रेक करेगा इस तरह से। देन थायरिस्टर क्या होगा, थायरिस्टर इज टर्न ऑन। इस तरह से थायरिस्टर क्या होगा बताइए, टर्न ऑन होगा, जंक्शन J2 ब्रेक होगा और क्या होगा, टर्न ऑन होगा। यहाँ पर दो वोल्टेज एसोसिएट है, एक VBO है, एक VBR है। ये VBO को क्या बोलते हैं, ब्रेकओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, स्लाइटली मोर होता है किसके तुलना में, VBO के तुलना में, ठीक है। क्यों, अगर इसके बाद अगर ब्रेकडाउन में जाएगा तो ये हमारा डिवाइस ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम लोग VBO को मैक्सिमम रेटिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको VBR बोलते हैं, इट्स स्लाइटली मोर देन फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज VBO। सो रेटिंग ऑफ थायरिस्टर बेस्ड ऑन किस पे, VBO, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज के आधार पर इसका रेटिंग को हम लोग क्या करेंगे करेंगे। अब देखिए, एक बार जंक्शन J2 क्या था, रिवर्स वाइस में था, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बढ़ाएं तो जंक्शन क्या हुआ, ब्रेक कर गया। एक बार जंक्शन J2 अगर अपना ब्लॉकिंग मोड को खो दिया तो ये क्या हो गया, थायरिस्टर क्या हो गया, ऑन स्टेट में आ गया। जब ये ऑन स्टेट में आ गया तो VBO वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, इससे लेस वोल्टेज में ही क्या करेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। VBO से क्या, कम ही वोल्टेज में क्या रहेगा, बहुत हेवी इससे करंट फ्लो करेगा। यानी कि जब हम बोल सकते हैं कि व्हेन ब्रेकडाउन सकर जंक्शन J2 लूजेज इस ब्लॉकिंग कैपेसिटी, जब हमारा ब्रेकडाउन सकर्स होगा, जंक्शन J2 जो है से ब्लॉकिंग, जो ब्लॉक किए हुए था वो अपना ब्लॉकिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, खो देगा। When ब्रेकडाउन सकर्स देन जंक्शन J2 लूजेज इट्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी, ये ब्लॉकिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, खो देगा। ये हमारा अब ब्लॉक फर्दर नहीं करेगा ब्लॉकिंग कैपेसिटी। देयरफॉर इफ द एनोड वोल्टेज इज रिड्यूस बिलो VBO, इफ एनोड वोल्टेज रिड्यूस बिलो VBO इस ब्रेक ओवर वोल्टेज से बिलो भी होगा, देन थायरिस्टर कंटिन्यू कंडक्शन। एक बार ब्रेक हो गया, देन थायरिस्टर विल कंटिन्यू कंडक्शन। ये थायरिस्टर क्या करेगा, अपना कंडक्शन को कंटिन्यू करेगा। कब, जब ये VBO से क्या रहेगा, लेस रहेगा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, जब ब्रेकडाउन सकर्स देन जंक्शन J2 लूजेस ब्लॉकिंग कैपेसिटी, देयरफॉर इफ एनोड वोल्टेज रिड्यूसेस बिलो VBO देन द थायरिस्टर विल कंटिन्यू कंडक्शन। तो थायरिस्टर क्या करेगा, कंडक्शन को क्या करेगा बताइए, कंटिन्यू करेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ गए बिल्कुल।
इसमें दो करंट था, एक बताया था लैचिंग करंट, लैचिंग करंट एसोसिएट था किससे बताइए, टर्निंग ऑन प्रोसेस से, यानी कि इससे एभव करंट होगा तभी थायरिस्टर ऑन स्टेट में रह सक पाएगा। एक था होल्डिंग करंट जो कि बिलो लैचिंग करंट था। होल्डिंग करंट क्या है कि अगर हमारा होल्डिंग करंट से नीचे चला जाएगा तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा बताइए, टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी कि टर्न ऑफ मतलब ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। इसमें दो करंट एसोसिएट है, एक आपका लैचिंग करंट है, दूसरा क्या है होल्डिंग करंट है। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, गो टू द बैक टू द प्रीवियस लेक्चर। और ये भी बताए थे कि लैचिंग करंट जो है 2 to 3 times ऑफ किसका है बताइए, होल्डिंग करंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होल्डिंग करंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। कभी कभी तो इवन इफ गेट में भी क्वेश्चन पूछ देता है, बीटेक वाले को, डिप्लोमा वाले को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में रहता है, जेई के एग्जाम्स में रहता है, दे देगा कि होल्डिंग करंट है कि 2 एम्पियर है, लैचिंग करंट कितना आएगा, ऑप्शन रहेगा 5 एम्पियर, ऑप्शन रहेगा 50 एम्पियर, ऑप्शन रहेगा 3 एम्पियर, ऑप्शन रहेगा 4 एम्पियर, ऐसा रहेगा आपका 1 एम्पियर, इस तरीके से रहेगा। हम लोग जान रहे हैं लैचिंग करंट जो होता है होल्डिंग करंट का लगभग 3 गुना होता है, 2 से 3 गुना, तब कौन सा ऐसा डायरेक्टली आंसर टिक कर देंगे कितना, 5 एम्पियर, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा पहला मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। आप हम आशा करते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को बहुत आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अगला जो हम ट्रिगरिंग मेथड बताने जा रहे हैं, गेट ट्रिगरिंग मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको आप अच्छे से नोट कीजिए। और केवल आप ही नहीं पढ़िए, बाकी दोस्तों से भी ऐप को डाउनलोड करवाइए, अपना फ्रेंड को भी डाउनलोड करवाइए और उनसे भी कोर्स को परचेज करवाइए, केवल आप ही फ़ायदा नहीं उठाइए, ठीक है। तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होल सब्जेक्ट का लेक्चर्स और एनी अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल सेमेस्टर ऑल जेई बैचेज सारे बैचेज अवेलेबल है वीडियो लेक्चर, कहाँ पर, तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर। तो अभी से अभी क्या करना है, बिल्कुल डाउनलोड कर लेना है, दोस्तों को बताना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए, बाकी हम अगला मेथड बात कर रहे हैं जस्ट अभी, इसको आप नोट डाउन कीजिए, गेट ट्रिगरिंग मेथड। चलिए अब देखिए हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के जगह पर दूसरा जो हेडिंग है आपका जो है से गेट ट्रिगरिंग है। दूसरा हेडिंग क्या है बताइए, गेट ट्रिगरिंग मतलब ऑन करना, कैसे हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले तो हम लोग देख चुके हैं फुल डिटेल में फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कैसे करेंगे, कैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा के ऑन किए। अब हम लोग क्या, ये फॉरवर्ड वोल्टेज से कम ही वोल्टेज में हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे कैसे। यहाँ से पहले अभी तक जो भी हम लोग बात किए हैं गेट को ओपन रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर गेट यही डंडा कंट्रोल करेगा आपका इस थायरिस्टर को, कि गेट यहाँ पर क्या रखेंगे, ओपन नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे। तो ये हमारा गेट जब क्लोज रखेंगे यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके तुलना में, तो यहाँ से ऐसे गेट करेंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब गेट करेंट फ्लो करेगा, करेंट फ्लो करेगा, तो ये जो इनर पी लेयर जो है से फ्लडेड विथ इलेक्ट्रॉन, फ्लड फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़ आ जाना, तो किससे, इलेक्ट्रॉन से बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि ये जो एन लेयर है ये हैवली डोप्ड है, हैवली डोप्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या करेगा बताइए, मूव करेगा कहाँ से, कहाँ मूव करेगा बताइए, ये फ्लडेड विथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा यहाँ पर, क्या करेगा बताइए, फ्लो करेगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये जो एन लेयर है हैवली डोप्ड व्हेन कंपेयर टू द गेट पी लेयर, इसके तुलना में हैवली डोप्ड है, डोप ज़्यादा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव करना चालू होगा, फ्लडेड होगा, यानी कि बहुत तेजी से इधर इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। एज द थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस, थायरिस्टर क्या बताइए, फॉरवर्ड बायस है, तो जंक्शन J1 J3 तो बहुत बार बता चुके हैं फॉरवर्ड बायस में, जबकि जंक्शन J2 क्या है बताइए, रिवर्स बायस में है। तो ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस होने के कारण सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स आया है, रीचेज टू द जंक्शन J2 तक क्या होगा बताइए, रीच करेगा, तो जिसके कारण से यहां पर जो डिप्लेशन लेयर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, तो ये डिप्लेशन लेयर क्या होगा बताइए, घटेगा, कहाँ पर घटेगा, जब जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में है, रिड्यूस, अगर इसको रिड्यूस करने से क्या होगा, जब हमारा रिड्यूस यहाँ पर हो जाएगा, तो बताइए
यहाँ पर ये जंक्शंस मान लीजिए कि पहले से इतना है, ये जंक्शंस का डिप्लीशन लेयर जो है अब रिड्यूस होकर के मान लीजिए कि रेड पेन इतना हो जाए, इतना अब डिप्लीशन लेयर हो जाए, पहले से घट जाएगा। तो जितना यहाँ पर हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उतना से कम ही वोल्टेज में इसको क्या करेगा बताइए, ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं करेगा। पहले से ज़्यादा मोटा बैरियर था, ज़्यादा मोटा डिप्लेशन लेयर था, तो वोल्टेज अप्लाई क्या करना पड़ रहा था, ज़्यादा करना पड़ रहा था। अब क्या होगा कि ये गेट करंट के कारण क्या हो रहा है, फेनोमेना समझो अच्छे से। इस गेट करंट के कारण क्या हो रहा है, इस गेट करंट के कारण से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है से कैथोड से इनर पी लेयर तक हमारा फ्लॉडेड हो रहा है, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जंक्शन J2 तक जा रहा है। ये जंक्शन J2 तक जाने से यहाँ जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में क्या आ रहा बताइए, कमी आ रहा है। डिप्लेशन लेयर का वीड्स क्या हो रहा बताइए, घट रहा है। जब डिप्लेशन लेयर का वीड्स घटेगा तो फिर क्या होगा बताइए, डिप्लेशन लेयर का वीड्स क्या होगा बताइए, घटेगा। जब डिप्लेशन लेयर का वीड्स घटेगा तो कम ही वोल्टेज में क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं गेट करंट के कारण हमारा कम ही वोल्टेज में ब्रेकडाउन हो रहा है। इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम और कैसे कम में ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्राफ में क्या क्या चेंजिंग्स आएगा, IV करेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजिंग आएगा, जस्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि IV करेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजिंग्स आएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ये जो वोल्टेज है, ये जो है आपका करंट है, कौन सा करंट है, एनोड करंट है, एनोड वोल्टेज है, माइनस भी है, ये क्या है बताइए, माइनस आई है। इस तरीके से ये जो है ऐसा था रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR, ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO था, यहाँ से लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट इस तरीके से था। अब देखिए, इस VBO पर आने के बाद ये जंक्शन J2 ब्रेक हुआ, ये वाला पेन से देखिए, ब्लू वाला, ये जंक्शंस पर आने के बाद ये आपका VBO क्या हुआ बताइए, ब्रेक हुआ। VBO ब्रेक हुआ कब, जब ये गेट सिग्नल क्या था, ऑफ था, लेकिन गेट सिग्नल आने के बाद डिप्लीशन विड्थ क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि इससे कम ही वोल्टेज में मान लिया IG, यहाँ पर गेट करंट क्या था, जीरो, लेकिन अगर हम कुछ गेट करंट देंगे तो इस वोल्टेज से कम ही वोल्टेज सपोज V1 में ही क्या हो गया बताइए, टर्न ऑन हो गया। ये V1 में ही क्या हो गया बताइए, टर्न ऑन हो जाएगा। अगर और गेट करंट को अगर हम बढ़ाएं, और गेट करंट को बढ़ाएं IG2, तो यहाँ सपोज V2 वोल्टेज है, और गेट करंट को अगर हम बढ़ाएं तो और कम ही वोल्टेज में क्या होगा, ऑन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, कहने का मतलब है कि अगर हम गेट करंट को बढ़ा रहे हैं, ये IG1 ग्रेटर है किससे, IG2 ग्रेटर है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये IG3 जो है सबसे बड़ा है, IG3 सबसे बड़ा है, तो वोल्टेज क्या हो गया, सबसे कम हो गया। यानी किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, इसका चेंज करेगा, जैसे जैसे हम गेट करंट को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक है कि कम ही वोल्टेज में क्या होगा, ऑन होगा। कम वोल्टेज में ऑन होगा तो हीटिंग वगैरह सब क्या होगा बताइए, कम होगा, जंक्शन इजिली क्या हो जाएगा बताइए, ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो है गेट ट्रिगरिंग मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए। गेट को ट्रिगरिंग कहने का मतलब है गेट के सिग्नल दे करके जो ऑन करते हैं, ये मेथड जो है सबसे बढ़िया मेथड है। ये हमारा गेट करंट को जैसे से इंक्रीज करते हैं, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम ही वोल्टेज में क्या हो रहा है, ये टर्न ऑन हो रहा है, और क्या कर रहा है, इजिली क्या कर रहा है, आपका वर्क करना चालू कर दिया है। कौन सा भाई, तो थायरिस्टर। तो ये जो है दूसरा मेथड है, कौन सा, ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग मेथड। पहला मेथड ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कौन सा मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, तीन मेथड आपको और बचा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा DV/DT ट्रिगरिंग है, लाइट ट्रिगरिंग है। DV/DT ट्रिगरिंग हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लाइट ट्रिगरिंग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर ट्रिगरिंग को देखते हैं अगले लेक्चर्स में। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हमारा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप केवल वीडियो नहीं देखिए, दोस्तों को भी जरूर से जरूर दिखाइए, और दोस्तों को भी कोर्स को परचेज करवाइए, केवल आप ही फ़ायदा ना उठाइए, मेरा कम से कम इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं आप लोग। हर स्टूडेंट एक स्टूडेंट को ज्वाइन कराइएगा, अगर आप लोग 500 हैं तो 500 से सीधे 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा करके आप लोग का जितना बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हो सके उतना मैं डिलीवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।